हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें आपके पॉलिनोमियल्स में पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं बस चीज़ों को ब्रश अप करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है आपका? ठीक है, ए वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ए सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है ना, जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, यानी इसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती। और ऐसे लेटर्स आपके जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ठीक है, एक्सेट्रा, इस टाइप के लेटर से आपको डिनोट किया हुआ मिलेगा, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखे होंगे 2x है, 3x है, माइनस का x है, कॉमा माइनस का 1/2x है। ठीक है, ये सब कैसे हैं आपके? ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए इन सारे एक्सप्रेशन के पास एक क्या है आपका? एक तो है आपका एक कांस्टेंट नंबर है, और मल्टीप्लाई में फिर आपका क्या है? ए वेरिएबल। ठीक है, तो इस फॉर्म का आपको कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो वो आपका कैसा होगा? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट ए वेरिएबल लिखा है, ना तो मुझे पता है कांस्टेंट क्या है, ना मुझे पता है वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट को जैसे मान लीजिए आपने ए से डिनोट कर दिया और वेरिएबल को आपने एक्स से डिनोट कर दिया, तो आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ए एक्स। ये भी क्या हो जाएगा आपका? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए इसमें बात ही ध्यान देने की है, ठीक है, कि आपका जो कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, ठीक है ना, वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है ना, लेकिन आपकी जो वेरिएबल की सॉरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन चेंज नहीं होती। ठीक है ना, जबकि आपका वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ये मान लीजिए आपने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो आपको पता है इसका स्क्वायर का अगर मैं एरिया फाइंड करूं तो आप बोलेंगे सर साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी पेरीमीटर आप फाइंड करिए पहले, पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर फाइंड करेंगे तो आप बोलेंगे सर मान लीजिए इसकी साइड अगर 4 है तो 4 times 4। ठीक है ना, तो कितनी आ गई? 16। ठीक है, अगर मैं 5 मान लूँ इसकी साइड तो आएगा 4 into 5 20। अगर मैं 10 मान लूँ इसकी साइड तो 4 into 10 क्या हो जाएगा आपका? 40। तो ये देखेंगे आप कि ये जो नंबर है आपके पास 4 4 4, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन ये जो इसकी साइड है ये क्या होगी? ये वेरिएबल होगी, क्योंकि ये चेंज हो रही है आपकी, और इसके चेंज होने से जो है आपके पेरीमीटर पर सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये मीनिंग हुआ। इसके बाद आप बात करें कि ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जो जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप, एक्सपोनेंट ऑल द एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल। एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इस बात को मैं लिख देता हूँ, देखिए इस बात को मैंने लिख दिया है, ऑल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। देखिए होल नंबर को जगह आपको कहीं कहीं नॉन नेगेटिव इंटीजर भी मिलेगा। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर,
ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखिए आपके सिलेबस में जो है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में ही है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इनमें आप देखेंगे कि इस वाले पॉलिनोमियल में भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है x x, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। तो ये कैसे पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है इनमें? x। इसके हिसाब से आपके y के हिसाब से भी बना सकते हैं आप। जैसे कि आपने लिख दिया मान ली 3y² प्लस 5y, तो ये पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल y हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हैं t² माइनस 2, तो ये t वेरिएबल हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये y के लिए हो गया, ये t के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि ये ऐसे पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x, तो इसमें आपके दो टर्म्स हैं, एक तो ये टर्म्स और एक ये टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, ये भी टर्म्स हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका एक्चुअली, जैसे 7 जो है इसको बोलेंगे आप कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इसी टाइप से इसमें कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म है। तो आपसे कोई टर्म अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो आपके कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। देखिए तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिख दिया 7, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल कैसे हो गया, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है। इसके पास वेरिएबल है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 7 × 1, और 7 × 1 को आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्स की पावर 0। आपको बताया किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। लेकिन इसको आप क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। इसी टाइप से आपका एक ज़ीरो पॉलिनोमियल भी होता है, जो आपका 0 होता है वो आपका 0 पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि आपके सामने मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 4x² प्लस का 7x माइनस का 2, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशियंट ऑफ x², कोफिशियंट ऑफ x एंड कोफिशियंट ऑफ 2, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यूब का कोफिशियंट आपका क्या होगा कि एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको? माइनस है, माइनस का मतलब होता है माइनस का 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 4 है, और प्लस का है तो क्या होगा? प्लस का 4। x के साथ क्या है? 7 है, प्लस का है तो प्लस का 7, और 2 का कोफिशियंट क्या होगा? माइनस का 1, माइनस लग रहा है ना, तो 2 × 1 कर सकते हैं इसको, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके कोफिशियंट हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ एक्सप्रेशन आपको ऐसे भी दिखाई देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल के जैसे x + 1/x, ठीक है, कॉमा √x + 3, कॉमा √y + y², ठीक है। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। देखिए ये अगर आप करेंगे इसको तो एक्स की पावर यहाँ पर बने ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। देखिए ये आपका होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये है आपका x का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 + 3। तो देखिए ये पावर जो आपकी लग रही है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए नहीं है ये भी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्यूब रूट लग रहा है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3 प्लस y², तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर भी आपकी कैसी है? होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल आप वही कंसिडर करेंगे जिसमें आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर दिख जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल आपका है जिसमें, और जो पूरा नॉमिनल कैस्पर पॉलिनोमियल कैसा है आपका एक ही वेरिएबल x में, तो आप उस पॉलिनोमियल को इन से डिनोट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू आपने लिख दिया 2x² + 5x + 3, ठीक है, इस क्यू एक्स लिख दिया तो x³ - 3, तो आप देखेंगे ये भी पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है। आर वाई लिख दिया आपने, अब ये y में हो गया, ठीक है, जैसे y³ + y - 1, ठीक है, ये आपने u में कर दिया, यहाँ पर -u² - u + 5, इस टाइप से आपको पॉलिनोमियल दिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैसे थे, वेरिएबल x थे, ये y में वेरिएबल था और इसमें u वेरिएबल था। तो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ दिखाई देगा, इसको आप चेंज कर लीजिए, एस कर लीजिए, यहाँ पर एक्चुअली आपको जो दिखाई दिया देगा वही पूरा वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक डिनोट करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए इसके बाद में अगर बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जैसे कि मैंने लिखा है 2x² + 5x या फिर 5 लिख लीजिए खाली, और x² + 5x + 5, तो आप देखेंगे इसमें सिंगल टर्म में है तो इसको बोलते हैं हम मोनोमियल। क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका मोनोमियल, ठीक है। इसमें दो टर्म्स हैं तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल, ठीक है, क्या हो जाएगा बाइनोमियल। इसमें तीन टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं, देखिए ये मान लीजिए एक मैंने पॉलिनोमियल लिखी है, ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ, तो क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट पावर का टर्म, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, ये वाला है पाई की पावर 7 है, तो यही टर्म क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट पावर का टर्म हो गया, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है 7, ठीक है, ठीक है, और इसी को आप बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ 5y² - 4y² - 6, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो आप बोलेंगे सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 6, क्या है डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 6 है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 6, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। तो एक चीज़ और बात आती है कि द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है, जैसे कि आपके पास मैंने लिख दिया 7, ये भी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की कॉन्स्टेंट नॉमिल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, वो ज़ीरो होती है। क्यों होती है ज़ीरो, क्योंकि आप इस 7 को क्या लिख सकते हैं 7x⁻⁰, तो यहाँ x की पावर कितनी आ रही है आपकी 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे आपके सामने लिखा हुआ है px = 4x + 5 qy = this and rt = this, तो इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है जी, आप बोलेंगे सर इसमें सिमिलरिटी ये है कि ये सारे के सारे किस फॉर्म में हैं, इन सब की डिग्री जो है 1 है, ठीक है, इनके वेरिएबल भले ही अलग है लेकिन ये सब 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है,
ठीक है, तो ऑल हैव वन डिग्री या सिंगल डिग्री, और इन ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब एक बात और आपसे अगर पूछी जाए कि क्या जो आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको आप तीन टर्म्स में लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि एक टर्म्स में लिखा है, इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें तीन टर्म, दो टर्म्स हैं, तो क्या इसको तीन टर्म्स में लिख सकते हैं? तो आप इसको तीन टर्म्स में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये तीन टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप देखिए अगर आपको सिंगल वेरिएबल है तो आप बोलेंगे सर ऐसे कर लीजिए इसको 5x प्लस 5, देखिए तीन टर्म्स हो गए, लेकिन नहीं, ये तो सिंगल ही एक ही टर्म हो गया, इसको आप ऐड कर देंगे तो 9x प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपको एटमोस्ट टू टर्म्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कैन हैव एटमोस्ट टू टर्म्स, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स कैन हैव, या कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं आप, कैन हैव एटमोस्ट टू टर्म्स, दो से ज़्यादा टर्म्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ये किस फॉर्म का होगा, ये आपका फॉर्म का होगा ए एक्स प्लस बी, वेयर ए कॉमा बी आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कुछ एक्सप्रेशन लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5 कॉमा 5x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि इन सब में जो है आपका क्या है, आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, वेरिएबल 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो इन पॉलिनोमियल्स को आपका बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अगर आप बोला जाए आपसे कि इसको चार टर्म्स में आपको लिखना है, तो इसको भी, इसको आप चार टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको एटमोस्ट थ्री टर्म्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और ये किस फॉर्म का होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हम अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक के बाद आपका जब डिग्री थ्री हो जाएगी तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर डिग्री फोर हो जाएगी, आपके सिलेबस में अभी डिग्री थ्री तक ही है, ठीक है, तो आपको एक डिग्री थ्री का और बता देता हूँ, जहाँ पर आपकी वेरिएबल की जो डिग्री होती है, वेरिएबल की एक्स की डिग्री थ्री होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो ये क्या है आपका, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये किस फॉर्म का होता है, ये होगा आपका इस फॉर्म का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, वही यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये आपके कैसे हैं, ए बी सी डी आर द कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर आपसे जनरल फॉर्म अगर कोई पूछी जाए, ठीक है ना, ए पॉलिनोमियल तो देखिए ये आपका एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है ना, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है मैंने, यहाँ पर आपकी डिग्री एन है और वेरिएबल आपका एक्स है। अब डिग्री एन का मीनिंग ये है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब आपको जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए आप इसके अंदर रखिए उसकी वैल्यू, तो आपको वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे कि अगर एन इक्वल टू आप थ्री रखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए
आपका ए एन एक्स की पावर, सॉरी, तो आप इसमें देखेंगे, देखिए जैसे आपने एक्स एन इज इक्वल्स टू 3 रखा तो ये इतना पॉलीनोमियल आपको मिली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, आप वैल्यू रख के देखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी जो कि आपकी देखिए सीधे सीधे इस फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। तो जितनी भी आपको डिग्री का पॉलीनोमियल चाहिए आप इसमें एन की वैल्यू पुट करिए तो आपको उतनी डिग्री का पॉलीनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।